मैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, वो है सफाई सुथराई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी और सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। देखिए, जो पान खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सड़कों पे चलते हैं, गलियों में चलते हैं, जहाँ पाते वहाँ थूक देते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि यहाँ थूकना मना है, यहाँ पेशाब करना मना है, लेकिन लोग पढ़कर भी ऐसी चीज़ों से बाज नहीं आते, जहाँ मन चाहे वहाँ थूक दिए। सफाई हर एक इंसान को रखना चाहिए। आज देखो, आप सड़कों पे चले जाओ, कितनी गंदगियाँ मिलती हैं। सबसे पहले जब आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाएंगे, तब तक आपका समाज बेहतर नहीं बन सकता है। आप अपने घर को बेहतर तो बना रहे हैं, आप अपने घर को खूबसूरत तो बना रहे, लेकिन जहाँ आप चलते हैं, जिस सड़क पर चलते हैं, जिस गली में, जिस बिल्डिंग में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप सबसे पहले उसको भी बेहतर बनाएं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है। अल्लाह ताला ने कहा, जो पाक और सफाई रखता है, जो इंसान, मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ। और पाक साफ रहने वाला इंसान एक कामयाब इंसान होता है। लोग उसको देखकर सीखते हैं कि ये इंसान कैसी जिंदगी गुजार रहा है दुनिया में, पाक और साफ रहता है, ये क्या चीज इस्तेमाल करता है, ये किस धर्म का मानने वाला है, कौन है ऐसा शख्स। जितना हो सके दूसरों को ऐसी चीज़ों के बारे में बताना चाहिए और तमाम बुराइयों से लोगों को बचाओ। हम यही चाह रहे हैं, लोगों तक बात फैलाओ कि आप जो भी समाज में बुराइयां हैं वो ख़त्म हो सके और हमारा देश, हमारा भारत बेहतर बन सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।